सियासत में एक बार फिर तैयारी ने उड़ान भर ली। हुकूमत में ऐसी शख्सियत की एंट्री के सब हैरान रह जाएं। वज़ीर आज़म ने जनूबी पंजाब के तगड़े सियासतदान को मईशत की सलाह मशवरे के लिए हायर कर लिया। नाज़रीन, जैसे कि सब जानते हैं कि 2018 के बाद मुल्क की मईशत मुसलसल गिरावट का शिकार नजर आ रही है। इमरान खान का इक्तदार जाने के बाद मुआशी बहरान शदीद हो गया। पीडीएम की हुकूमत की सर तोड़ कोशिशों के बावजूद भी मईशत संभली, ना ही महंगाई कम हो सकी। नए इलेक्शन के दौरान उम्मीद की जा रही थी कि वजारत खजाना इसहाक डार को दिए जाए, लेकिन इसके बरक्स इसहाक डार की बजाय मोहम्मद औरंगजेब के हाथ में दी गई। मईशत पर काम तो जारी है, सख्त फैसले भी मतवक्के हैं, तहम बजट की तैयारियां भी अरूज पर हैं। ऐसे में बानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन की एक बार फिर सियासी मैदान में वापसी हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जहांगीर खान तरीन को इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल कर लिया है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के दीगर अरकान में साबिक शिराजी, शहजाद सलीम, मुसद्दिक ज़ुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, जयाद बशीर और सलमान अहमद भी शामिल हैं। जहांगीर तरीन ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अपनी दोनों नशस्तों पर शिकस्त के बाद पार्टी सरबराही और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था।